आज 1 जनवरी 2022 नए साल का पहला दिन और इस दिन हम इस वक्त मौजूद है हिंगोली ज़िले के जावला बाज़ार यहाँ पर, और यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता मुनीर पटेल साहब, इनका जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूरे हिंगोली ज़िले के नेताओं ने और तमाम लोगों ने उनको आज यहाँ पर मुबारकबाद दी है। हम भी मुनीर पटेल साहब को अपने चैनल की ओर से उनके जन्मदिन की और नव वर्ष की मुबारकबाद देते हैं और उनसे बात करते हैं। पटेल साहब, आज आपका जो जन्मदिन यहाँ पर मनाया गया, काफ़ी सारे यहाँ पर लोकहित के कार्यक्रम रखे गए थे जिसमें कोरोना योद्धाओं का सम्मान था और दूसरे कई कार्यक्रम थे, क्या कहना चाहेंगे? इतनी प्यार से आपका जन्मदिन हर साल मनाया जाता है आपके चाहने वालों की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? हर साल को जन्मदिन मनाया जाता है, ये 25-30 साल से ये जन्मदिन का प्रोग्राम लोगों की तरफ से लिया जाता है, कार्यकर्ताओं की तरफ से लिया जाता है, लेकिन 2 साल से कोरोना के वजह से ये कार्यक्रम जो नहीं लिए थे और अभी कोरोना थोड़ा हट गया ऐसा समझ के, जो प्रबंध निर्बंध थे वो निर्बंध हट गए ऐसा समझ के कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन फिर कोरोना की तीसरी लहर ये आई, ऐसा प्रशासन ने बोलने के बाद में, और प्रशासन ने जो आरटी डाले वो आरटी के तहत ये आज का कार्यक्रम लिया गया है। आज के कार्यक्रम में ख़ास बात यह है कि ये कार्यक्रम कोरोना के वास्ते ही लिया गया है, क्यों तो जो दो लहर में, जो कि पहली लहर आई थी दूसरी लहर आई थी, उसमें जो लोगों ने काम किया, जो लोगों ने कोरोना के वास्ते काम किया, जो लोगों ने जन जागरण कोरोना के वास्ते किया, कि जैसे कि आंगनवाड़ी ताई हो गए, जैसे कि आशा वर्कर हो गए, जैसे कि हमारे सिस्टर्स जो काम करते, जो तुम्हारे डॉक्टर्स है, तुम्हारे पुलिस है, तुम्हारे तलाटी है, ग्राम सेवक है, ग्राम विकास अधिकारी है, ये सब लोग जो कोरोना के वास्ते दो ही लहर में वो लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया और उसी वजह से उनका भी सत्कार ये हमने ये आज के प्रोग्राम में रखा था। आज के प्रोग्राम में एक ख़ास बात देखने में ये आपको दिखी होंगी कि हमने हमारे सत्कार नहीं तो ऐसे जिसने ऐसे काम किए, जिसने अच्छे काम किए, ऐसे लोगों के सत्कार रखे गए थे और वो भी सब कोरोना में जिस लोगों ने अच्छा काम किया उनके हौसला अफजाई बढ़ाने के वास्ते ये काम रखे थे। और आगे जो अभी तीसरी लहर बता रहे हैं, ये लहर में भी इंशाल्लाह ये लोग बहुत हिम्मत से काम लेंगे, उनकी हौसला अफजाई करने के वास्ते हम सब ये काम लिए। हम आमदार साहब का जो सत्कार इसमें रखा गया, आपने देखे होंगे कि विधानसभा में ये महाविकास आघाड़ी के सरकार में, जिसमें कि हम भी शामिल है, उसके अंदर हमारे पटोड़े साहब ने भी वो बात रखे, हमारे प्रगतिशील सातों ने भी वो बात रखे, और ख़ास तौर पे हमारे जो बसमत विधानसभा के राष्ट्रवादी के आमदार हैं राजू भैया नौघर है, इन्होंने एक तो सरकार ने ओबीसी के बिना इलेक्शन नहीं लेना है ये ठहराया हुआ है, और दूसरी बात यह है कि मराठा और मुस्लिम आरक्षण के बारे में भी हमारे आमदार ने बात उठाई है। अवैध धंधे जो कि हिंगोली ज़िले में बहुत ज़ोर शोर से चलते हैं, अवैध धंधे के बारे में बात उठाई है। वितरण जो है कि MSP का वितरण क्षेत्रों के बारे में जो बरोबर नहीं है, पैसे वसूली करे जा रहे हैं, इसके बारे में भी बात रखी है। तो ये सब बातें ज़रूरी है और ये बात रखे जाने की वजह से हमने आमदार का भी एक सत्कार मेरे जन्मदिन के दिन ख़ास तौर पे कि उनका एक नागरिक सत्कार उनका यहाँ पे हमने रखे, यानी पूरे भी जो भी प्रोग्राम यहाँ पे है ये सब कोरोना के हिसाब से और सोशल वर्क के हिसाब से ये प्रोग्राम पूरे रखे थे। और हम ये सब प्रोग्राम करते वक्त एक आपने ख़ास बात देखे होंगे कि हम पूरे कोरोना के नियम ये सभी तरीके से अमल में लाते हुए ये सब प्रोग्राम हम ले रहे हैं। और मेरे जन्मदिन के दिन और भी एक सुप्त प्रोग्राम जो रहते हैं वो अभी आप आज शाम में, जो कि सत्यपाल महाराज यहाँ पे जो एक प्रवचन करते हैं, सामाजिक प्रवचन करते हैं, उनका भी प्रोग्राम है। कल जो कि वॉलीबॉल के टूर्नामेंट हर साल को रखे जाते हैं,
वॉलीबॉल के टूर्नामेंट भी एक हम महाराष्ट्र लेवल पे लेते, लेकिन अभी कोरोना के वजह से हम सिर्फ जिला लेवल पे लिए और वो भी कोरोना का पालन करते हुए हम करने वाले हैं। और ये सब सब चीज़ों के वास्ते आमदार जो यहाँ पे आए उनका भी मैं आभारी हूँ। मेरे सब मित्र मंडली जो मेरे पार्टियों के भी लोग हैं, हमारे माजी आमदार टारपे साहब आए, हमारे जिला अध्यक्ष आए, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष आए, और भी सब जितने भी नेता मंडली यहाँ पे आए इस प्रोग्राम को, अलग अलग प्रोग्राम को अलग अलग टाइम में आए और उन्होंने भी कोरोना का पूरा पालन किया, उस वजह से सबके मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। 1 जनवरी 2022 को हिंगोली जिले के कद्दावर नेता मुनीर पटेल साहब, इनका जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जौला बाजार में हर साल मनाया जाता है। और आज कांग्रेस पार्टी में जब उनकी घर वापसी हुई है गुज़िश्ता साल ही, तब वो पूरे कांग्रेस के लिए एक यहाँ पर सीनियर नेता के तौर पर देखे जाते हैं। इसलिए पूरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यहाँ पर सभी नेता लगभग यहाँ पर दिन भर से आए थे और सभी ने मुनीर पटेल साहब को यहाँ पर जन्मदिन की और नए वर्ष की मुबारकबाद दी है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष बाला साहब देशमुख जो परभनी से यहाँ पर आए थे, और माजी आमदार टारफे साहब जिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, और तमाम नेता यहाँ पर आए थे। और उन्हीं के साथ में ज़िले के तमाम चाहने वाले लोग परभनी से और हिंगोली ज़िले से और तमाम दूर दूर से लोग यहाँ पर आज आए थे और सभी ने मुनीर पटेल साहब को लंबी उम्र की दुआएं दी और यहाँ पर जो लोकहित के कार्यक्रम रखे गए थे उसमें भी उन्होंने शिरकत की। तो एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश होती है जन्मदिन के मौके पर कि एक समाज को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, समाज हित के कार्यक्रम लेने चाहिए, जिसमें कोरोना योद्धाओं का सम्मान सत्कार हुआ, जिसमें सभी वर्ग के कोरोना योद्धाओं का सम्मान सत्कार किया गया। बच्चों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए जो टूर्नामेंट रखे गए थे उनमें उन तमाम बच्चों का भी सम्मान सत्कार किया गया। तो एक मिसाल कायम की जाती है हमेशा मुनीर पटेल साहब के जन्मदिन के मौके पर और हमेशा सामाजिक कामों में वो सरे फेरिस यहाँ पर रहते हैं। तो हम भी परभनी अपडेट न्यूज़ चैनल की पूरी टीम के जानिब से उनको इस शेर के साथ मुबारकबाद देते हैं कि तमाम उम्र तुमको ज़िंदगी का प्यार मिले, तमाम उम्र तुमको ज़िंदगी का प्यार मिले, खुदा करे ये दिन आपको बार 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 मिले। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी।